हेलो नमस्कार दोस्तों, आप हैं मासातो कोचिंग में और मैं हूं आपके साथ सौमित। तो देखिए, जब हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हम लोग तैयारी मतलब करने का मन बनाते हैं, या हम लोग सोचते हैं कि हमें जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में हम लोगों को पास होना है, तो हमारे अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन उठता है कि हमारे लिए कौन सी बुक सबसे बेस्ट है। तो देखिए, उसी बुक कौन सी बुक बेस्ट है, तो इसके लिए ही ये वीडियो हम लेकर आए हैं। और देखिए, पुरानी वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि माथार्दा कोचिंग पे नवोदय विद्यालय संबंधित टोटल जानकारी A to Z बिल्कुल सही और सटीकता के साथ बताई जाती है। और यही मान लीजिए आप कि हमारे भी जो नया सेशन है उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो नए सेशन की शुरुआत से पहले हम लोग बताना चाह रहे हैं कि आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके बुकों के बारे में। सभी बुकों का मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी बुक सबसे बेटर रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए जो उपकार प्रकाशन है, तो भैया उपकार प्रकाशन नवोदय विद्यालय के लिए कभी बहुत अच्छा माना जाता था, कभी माना जाता था, लेकिन अब फिलहाल उपकार प्रकाशन इतना बढ़िया नहीं है। हालांकि बढ़िया होने को कंटेंट उसका इजी है, इजी तो मतलब कि काफी अच्छा कंटेंट है, कि हाँ काफी सटीक बातें वो करता है, ठीक है ना। लेकिन अब क्योंकि बहुत एक्सरसाइज वगैरह मतलब उसको जो उन्होंने अपने आप को वैसा मॉडिफाई नहीं कर रखा है जो उस जमाने में हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा इससे मतलब कि ऊपर उठ के बहुत सारे प्रकाशन हमारे पास हो गए हैं। देखिए, कुछ अलग अलग कोचिंग की, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग राय हो सकती है। यहां जिसको जो भी बेस्ट लगे वो भी अपनी कमेंट कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि मैं अपनी राय बता रहा हूं। बाय चांस कोई कहने लगे कि भाई आप सर गलत बता रहे हैं, ये मैं अपनी पर्सनल, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से मैं लगातार नवोदय विद्यालय की कोचिंग करा रहा हूं और बच्चों का सिलेक्शन करा रहा हूं, उसके आधार पर मैं अपनी राय बता रहा हूं, आपकी क्या राय है वो आपकी हो सकती है। तो देखिए, फिलहाल उपकार प्रकाशन हमारे लिए हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको पेंडिंग में डालेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे प्रकाश प्रकाशन आता है। प्रकाश, देखिए प्रकाश प्रकाशन जो आपको है, मैं उसको हम पूरी तरह रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो कंटेंट है वो थोड़ा मतलब हाई स्टैंडर्ड है। हाई स्टैंडर्ड मतलब ये है कि उसने मतलब कि लो सवालों के बारे में तो कुछ बताया नहीं है, लेकिन हाई सवालों के बारे में वो डायरेक्ट पहुंचता है, तो इसलिए वो प्रकाशन हमारे तरफ से मतलब कि एक प्रकार से डिनाई किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे प्रकाश प्रकाशन का हो गया बात बारे में बात। उसके बाद देखिए, प्रकाश प्रकाशन के बाद हम लोग बात करते हैं, सबसे पिछले साल ट्रेंडिंग में जो बुक रही वो अरिहंत प्रकाशन की रही, अरिहंत प्रकाशन की यहाँ पे बुक रही, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अरिहंत प्रकाशन की जो बुक है वो मैं आपको बता दूं, वो भी बच्चे के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। उन्होंने जो उसको सेटअप कर रखा है अरिहंत ने, वो सब इन सब किताबों से जो ना उसने मतलब कंटेंट को ले रखा है। आपको अक्सर जो इसमें सवाल मिल जाएंगे वो किसी प्रकाश के मिल जाएंगे, या फिर उपकार के मिल जाएंगे, मतलब लूसेंट के मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे ये जो ना इसने मिक्सअप करके सब इन्हें इसने बना रखा है। लेकिन वो आपकी 6th स्टैंडर्ड वाले बच्चे के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चों को हो ही नहीं पाती है। वो यहाँ पे भी बच्चे लेकर आए, लेकिन वो पूरी साल बच्चा उसको धरे बिराजता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लूसेंट प्रकाशन की। देखिए, लूसेंट प्रकाशन की हम लोग बात कर ले तो आपके लिए मैं बता दूं कि लूसेंट प्रकाशन आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसमें भी मतलब कि जो क्वेश्चन है काफी हद तक वो बढ़िया है। लेकिन आपको इस सबसे बेस्ट जो आपको अब जो ट्रेंड में चल रहा है, जो अब जो एक मतलब एक प्रकार से उभरता हुआ जो नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए जो प्रकाशन आ रहा है, वो मैं आपको नाम लेने जा रहा हूं, वो है आपका अरविंद प्रकाशन। अरविंद प्रकाशन आपका नाम ये आ रहा है, अरविंद प्रकाशन। देखिए, खुद मासारदा कोचिंग जो इस बार है वो आपको अरविंद प्रकाशन की तैयारी कराएगा हमारे। देखिए, इसको अरविंद प्रकाशन से मैं आपको बता दूं, देखिए कितना हम लोग अपने ही कोचिंग का कंटेंट बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इसके आपको पहले इसकी खास बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अरविंद प्रकाशन की, अरविंद प्रकाशन में आपका सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो इजी टू हार्ड है, इजी टू हार्ड कंटेंट है। तो इजी में मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही, देखो बहुत ही बढ़िया बच्चे को जो ना एकदम इसको थ्योरिटिकली उसमें बताया बताए जाने के बाद उसके बाद इजी से उसको हार्ड की तरफ किया गया है।
तो ये जो इजी टू हार्ड किया गया है इस वाले प्रकाशन में, उसके बाद इसका जो एक तो सेकंड सेक्शन होता है वो है आपका प्रीवियस ईयर वाला। जो प्रीवियस ईयर वाला जो इसका कंटेंट है वो और भी बेटर है। क्यों? क्योंकि यहां से बच्चे को देखे थोड़ी से आपको वो पता लग गया कि वो क्या है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, उसके बाद जो इसका ये वाला प्रीवियस ईयर वाला आपका जो सेक्शन होता है वो आपको बताता है कि किस तरीके से इसको मतलब कि हैंडल करना है। उसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं, यदि ये अरविंद प्रकाशन आपको लेना है सीधा मासार्दा कोचिंग की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक आपको मिल जाएगी। खुद मासार्दा कोचिंग की इसके सभी वीडियो, इसके सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर, सभी चैप्टर के वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे हमारे द्वारा जो कोचिंग होगी। देखिए मैं आपको बता दूं, मासार्दा कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मतलब चालू करने जा रहा है। बस आपको ये किताबें उससे लेनी है, ठीक है ना। बस इसका जो हमारे यहाँ से इसमें मतलब कि साथ में कुछ मतलब हमारे कंटेंट साथ में जोड़ के आपको आपके घर पे ये भेज दिया जाएगा। तो यहां से जो आई है, जो आपके पास एक प्रकाशन होगा ये वाला, इसकी टोटल तैयारी हम लोग कराएंगे, ठीक है ना। इसकी टोटल वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा, टोटल इसके मतलब कि जो सैंपल पेपर इसके, देखिए इसके सैंपल पेपर आपको उपलब्ध है, इंग्लिश वर्जन आपको इसका उपलब्ध है, हिंदी वर्जन आपको इसका उपलब्ध है, पुराने सालों के पेपर आपके उपलब्ध है। सब कंटेंट आपको जोड़ के आपको सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जरूर जाना, और यदि हमारे साथ तैयारी करनी है तो जल्दी से जल्द जुड़िए, क्योंकि नए बैच हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, जितने आप जुलाई में जुड़ जाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मासार्दा कोचिंग आपको मतलब पूरी साल कोचिंग देगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि कौन सा प्रकाशन आपके लिए बेस्ट है। देखिए भूल कर भी एक तो ये अरिहंत प्रकाशन, और जो कि नया एक प्रकाशन आया है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप पहले एनालिसिस कर लीजिए उनका, क्योंकि कोई यूट्यूब चैनल वाले ही उन्होंने बनाया है, उसके बाद ही आप उसको खरीदना, ठीक है ना। बाकी मैं उसमें अभी कोई मतलब कमेंट नहीं कर सकते कोई, ठीक है ना। फिलहाल उसके बाद देखिए उपकार प्रकाशन, प्रकाश प्रकाशन, अरियन प्रकाशन बिल्कुल आप ना खरीदें, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। बिना मतलब मैं बच्चे को साथ में उसको रखे रखो कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आप लुसेंट ले सकते हैं, लुसेंट में भी जो इससे बेटर है कि आपको लुसेंट की बिल्कुल इसी की नकल मतलब ये अरविंद प्रकाशन है। अरविंद प्रकाशन में जो प्रीवियस ईयर वाला सेक्शन है वो बहुत अच्छे से दिया गया है। तो फिलहाल मासार्दा कोचिंग के न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप भी ज्वाइन करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के अनुसार। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।